की पुलिस को, एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी दी और उत्तराखंड की पुलिस ने उसमें जांच करी। जांच के परिणाम स्वरूप 55 से भी अधिक लोग उसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए गए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अब संकट आ गया कि ये तो जांच चल रही है और सारी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है, तो जो 7,000 भर्तियां जो तत्काल होनी थी उन पर संकट ना आए, वो अपने तय समय से हों। हम लोगों ने मंत्रिमंडल में फैसला किया और जितनी औपचारिकताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती थी UK SSSC में, वो सारी की सारी औपचारिकताएं हमने कहा कि वो सब हमारा लोक सेवा आयोग करेगा। मंत्रिमंडल के फैसले से लोक सेवा आयोग को 7,000 भर्तियां हस्तांतरित कर दी गई और मैं बधाई देना चाहता हूं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने सितंबर माह में हमने उनको ये भर्तियां हस्तांतरित की थी और अक्टूबर माह में उन्होंने सारा कैलेंडर निकाल दिया, सारी पोस्टें विज्ञापित कर दी और उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसमें हमारे जितने भी नौजवान युवा भाई बहन थे, बेटे बेटियां थी, हेतु यही था हमारा, केवल एक हेतु था कि इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तय समय सीमा पर ये परीक्षाएं होनी चाहिए और परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको ही अवसर मिलना चाहिए। किसी गरीब माता पिता के पास और उसके बेटे बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी है, सबसे बड़ा कोई संग्रह है, सबसे बड़ा कोई धन है, तो वो केवल और केवल उसकी शिक्षा है। उसके द्वारा जो शिक्षा अर्जित की गई है वह शिक्षा है। अगर उसमें भी कहीं अपराध हो जाएगा, उसमें भी लूट मच जाएगी, डाका पड़ जाएगा, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव से नकल करवाई जाएगी, पहले ही फिक्सेशन हो जाएगा, तो उसके तो सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे, जीवन में उसके सारे रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया, चाहे कोई कितना भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, चाहे कितनी भी बाधा आए, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड के अंदर नहीं होगी। और हमने कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई भी करनी है तो हम कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, ये भर्तियों में गड़बड़ियां करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, आने वाले समय में कोई सोचेगा भी नहीं। और हमारे सभी बेटी बेटियों को, आप सब तो सौभाग्यशाली हैं ही, आप सब लोगों को तो काम करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन आपके बाद आने वाले भी मेरे बेटे बेटियां, आप सबके छोटे भाई बहन, उन सबको भी योग्यता क्षमता के आधार पर काम करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 1,790 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य कर रहे हैं और आज 604 नए CHO जो है हमारे आज इस कड़ी में जुड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और थोड़ा 8 साल पहले जाइए, 9 साल पहले जाइए, हम 10वें नंबर से भी ज्यादा थे, कहीं ऊपर थे। और इन 8 सालों में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। हमने एक बड़ी छलांग इस पर लगाई है। एक समय था कि दुनिया के वैश्विक मंच पर भारत के प्रतिनिधि, भारत के लोग अपनी बातें भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते थे, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत का कोई भी व्यक्ति, हम आप सब, सबके अंदर एक विश्वास जगा है, एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं, भारत सबको राह दिखा सकता है। अनेकों क्षेत्र हैं आज जिसमें भारत के लोग दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि अब मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है।
समरस भारत, श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया को दिशा देने वाला भारत, उसी का परिणाम है कि हमको G20 का G20 सबमिट की अध्यक्षता इस वर्ष के लिए हमको मिली है। भाइयों बहनों, आज दुनिया के लोग भारत को भी एक इज्जत की नजर से, एक शक्ति के रूप में, एक मान्यता के रूप में देखने लगे हैं। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से देश की प्रगति में जो भी चीज बाधक हो सकती थी उन सभी को दूर करने का प्रयास किया है, सबका रास्ता निकाला है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प से लेकर सिद्धि तक आज हर क्षेत्र में नए नए कार्य किए जा रहे हैं। और हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की आपकी सरकार जनता के प्रति लगातार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और देश सेवा के लिए, पहले के समय में था कि लोग अपने बारे में पहले सोचते थे, फिर अपने विचार के बारे में सोचते थे, फिर अंत में सोचते थे देश के बारे में। 2014 के बाद देश के अंदर एक नया कल्चर आया है, एक नई संस्कृति आई है और वो संस्कृति है मिशन मोड की संस्कृति। हर किसी को मिशन मोड में आना है और ये जो हमारा अमृत काल है, इस अमृत काल में भारत को दुनिया का सिरमौर बनना है।